सावन शुरू होने से पहले घर ले आएं, ये मात्र एक चीज, छप्पड़ फाड़ आएगा पैसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 2023 में सावन के अद्भुत संयोग हो रहे हैं, क्योंकि इस बार 2 महीने का सावन होगा और 8 सावन के सोमवार होंगे। पहला सोमवार 10 जुलाई से शुरू होते हुए 28 अगस्त तक सावन के सोमवार चलेंगे। ऐसे में सावन शुरू होने से पहले आप सभी को ये एक दिव्य अपने चीज घर पर लेकर आनी है। यकीन मानिए, जीवन में आपके परिवर्तन आना ही है। यह एक विशेष चीज़ है और काफ़ी सस्ती है और सरल है। इस सावन को इस बार जो है अपने आप में दुर्लभ माना जा रहा है। 19 वर्षों बाद ऐसा दिव्य संयोग हो रहा है कि सावन के जो व्रत हैं, जो अधिक हम सभी को प्राप्त हो रहे हैं, शिव भक्ति के लिए पूरे 2 महीनों का समय मिल रहा है। अधिक मास आरंभ हो रहे हैं, जिस कारण से जो है यह विशेष जो है संयोग बन रहा है। इस दिव्य संयोग में आप सभी को विशेष तौर पर यह सरल से चीज, दिव्य चीज घर लेकर आनी है। यकीन मानिए, रोग दोष कटेंगे। जीवन में जो साल भर में काम नहीं हुए, जो मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, मात्र सरल से इस उपाय से, इस कार्य से आपके जीवन में इस चीज़ को घर लाने से जीवन खुशियों से भर जाएगा। आप सभी जानते होंगे, इन दिनों में जो है महादेव की सेवा आराधना के लिए यह दिन जाने जाते हैं। इस दिन महादेव से संबंधित अन्य चीज़ें लाते होंगे और सभी कुछ न कुछ विशेष उनके लिए करने का प्रयास करते होंगे, उनके लिए कुछ नियम लेते होंगे। जैसे कि हमारा जीवन जो है सुखमय हो, परंतु यह दिव्य चीज़ आप सभी नहीं जानते होंगे और इसका सही प्रयोग भी आप सभी बहुत कम जानते होंगे। हम सभी जानते हैं कि सावन में सबसे पहले क्या लाना चाहिए, परंतु एक विशेष चीज़ जो आपको अपने आप में दिव्य है, वह सभी आपको विशेष रूप से बताऊंगा। उससे पहले, आप सभी के घर में शिवलिंग विराजमान नहीं है तो आप सभी को शिवलिंग लेकर घर पर आना चाहिए। ये भले ही छोटा सा शिवलिंग हो, उसे घर पर लाकर विराजमान करनी चाहिए। अभी तक आपके घर पर छोटा सा शिवलिंग महादेव का एक अंगुल के बराबर नहीं है तो उसे लेकर आइए, विधि विधान से पूजा करें। हालांकि सावन के पूरे सोमवार में या फिर सावन के सभी दिनों में छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करना अति श्रेष्ठ माना जाता है, परंतु घर में एक जो है आप सभी को छोटा सा शिवलिंग जरूर रखनी चाहिए। तो सावन शुरू से होने से पहले सबसे पहले आपको यह एक चीज़ जरूर लेकर आनी है। देर न करते हुए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये जो आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपको सभी सावन शुरू होने से पहले घर पर लाकर रख देनी है, वह दिव्य चीज़ है बेल का फल। बेल का फल आप सभी जानते होंगे क्या काम में आता है, परंतु इसका एक विशेष उपयोग, एक विशेष उपाय जो आपके जीवन में खुशियाँ भरेगा, वह आपको बताना चाहूँगा। आपको सावन शुरू होने से पहले यह दिव्य और औषधि के रूप में कार्य करती है और अपने आप में अद्भुत है। बेल का फल आपको लेकर आना है। आपके आसपास कहीं बेल फल है, उसे आप तोड़कर अभी से लेकर आ जाइए घर पर। अगर नहीं है तो बाज़ार से भी आपको लेकर आनी है, बाज़ार में भी मिल जाएगा। सावन शुरू होने से पहले एक बेल फल का प्रबंध कर ही लीजिए, आपको जरूर कर लेनी चाहिए, और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। उसके अंदर का जो गुर्दा है, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो अंदर का गुर्दा निकलेगा, तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए। बाहरी जो हिस्सा होगा उसे धूप में सुखा लीजिए या फिर आप इसे जला दीजिए, और जलाने के बाद इसको यानी कि पाउडर के रूप में यानी कि महीन कर लें। लकड़ी, जैसे कि मान लीजिए जो गुर्दा वगैरह है, इसको भी आप जलाकर इसको जैसे कि आप इसकी भस्म बना लें। इन सभी चीज़ों को या फिर आप इन्हें पीस लें यानी महीन कर लें, तो पीस कर भी महीन कर सकते हैं और इसे जलाकर भी महीन कर सकते हैं, यानी इसका भस्म के रूप में इसे तैयार कर लें। और जब ये भस्म तैयार हो जाएगी, बेल की जो भस्म है, तो संतान प्राप्त करवाती है, धन संपदा प्राप्त करवाती है, रोग कर्ज से मुक्ति देती है, धन धान में वृद्धि करती है, साथ ही सरकारी नौकरी देती है। कौन ऐसी चीज नहीं है जो चमत्कारी बेल फल, बेल पत्र की जो भस्म है प्राप्त न करा दे। आप सभी को सावन शुरू होने से पहले इस बेल की भस्म, इसे यानी कि बनाकर
यानी कि एक बेल का फल लेकर आएं और उसके गुर्दे को निकालकर उसके बाकी बचे हुए जो टुकड़े टुकड़े इसे कर दें और इसे भी जलाकर और उसके गुर्दे को भी जलाकर इसकी राख तैयार कर लें या फिर महीन कर लें और एक किसी डिब्बे में भर लें, कोई भी डिब्बा हो उसमें आप भर कर तैयार करके इसे बड़े सुंदर ही भाव से यानी इसे रख लें। और रोज सावन के दिनों में ध्यान रखिएगा, रोज सावन के दिनों में एक चुटकी थोड़ा सा महादेव के शिवलिंग पर आपको ये भस्म, बेल का भस्म आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देनी है शिवलिंग पर, चाहे सावन का दिन हो या फिर आप सावन के किसी भी दिन हो, सभी दिन करें। यकीन मानिए आपकी गरीबी दुख दरिद्रता का नाश होगा और आपका भाग्योदय होगा। परंतु सरल नियम है यह, दिव्य चमत्कारी है। बेल फल की जो भस्म है जो अपने आप में एक अद्भुत है, बेल फल की जितनी महत्वता कहूँ उतना कम है, परंतु सावन शुरू होने से पहले यह एक दिव्य चीज़ तो अपने घर लेकर आइए। हालांकि इसके अलावा अन्य चीज़ें भी हैं, शास्त्रों में कही गई हैं, जैसे कि बेल वृक्ष को भी अपने घर के पीछे साइड में लगा सकते हैं, यह काफ़ी अच्छा माना जाता है क्योंकि बेल वृक्ष साक्षात भगवान शिव के अंश के रूप में माने जाते हैं। सावन के महीने में पति पत्नी मिलकर बेल वृक्ष रोपित करते हैं तो जैसे जैसे ये बड़ा होता है वैसे वैसे आप धनवान गुणवान सुखवान बनते चले जाते हैं, आपके वंश में वृद्धि होगी, धन संपदा में आपकी वृद्धि होगी होती चली जाएगी। तो महादेव की यह प्रिय चीज़ है, अगर आप अपने घर पर आसपास लगाते हैं, उसे पूर्ण रूप से फलने फूलने में मदद करते हैं, पूर्ण रूप से उसे विकसित करते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि हो जाएगी। साथ ही रुद्राक्ष भले ही कितने मुखी हो, आपके घर पर नहीं है तो रुद्राक्ष को अपने घर लेकर आइए। सावन शुरू होने से पहले हम सभी जानते हैं कि रुद्राक्ष की महत्वता अद्भुत है। मात्र रुद्राक्ष गले में धारण करने से, रुद्राक्ष का जल महादेव पर समर्पित करने से, रुद्राक्ष से संबंधित कई उपाय करने से जीवन में चमत्कार होते हैं। अगर आपके घर पर रुद्राक्ष नहीं है तो रुद्राक्ष सावन के पवित्र महीना शुरू होने से पहले घर लेकर आएं और जो यह रुद्राक्ष का जल है महादेव पर समर्पित करें, उसे जो है जल पान करें आचमन के रूप में, जैसे महादेव के शिवलिंग पर समर्पित किया फिर उसका जल आपको अपने घर पर लाना है, घर पर ही शिवलिंग विराजमान है तो उसमें से आपको लाना है, जलाधारी से बहुत बहता हुआ जल प्राप्त हो फिर उसका आचमन करते हैं तो जीवन में शरीर में रोग दोष आते ही नहीं है। तो आपके घर पर यह नहीं है तो रुद्राक्ष कहीं से भी किसी भी विशेष स्टोर से नहीं जा सकते, विशेष नियम का पालन नहीं कर सकते, तो सामान्य हमारे महादेव हैं तो भोले भाले हैं, यानी कि बहुत भोले भाले हैं, उनका किस रूप में किस स्वरूप में आप उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं और वह किस स्वरूप में आपको घर पे आ रहे हैं वह जाने, उनके कार्य जाने, उनके नियम जाने, बस आप तो उनसे जुड़ी हुई चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों को लाकर रखें अपने घर पर, देखें कैसे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, नकारात्मक का नाश होता है, यानी कि जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं बिल्कुल दूर हो जाती है। इसके बाद स्थान आता है महादेव से जुड़ी हुई अन्य वस्तु डमरू। डमरू घर पर विराजमान होता है और उसकी ध्वनि थोड़ा थोड़ा रोज जो है महादेव के शिवलिंग के आसपास बजती है तो महादेव साक्षात घर पर आते हैं और इस ध्वनि से नृत्य करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी घर परिवार में आती है। अगर आपके घर पर डमरू विराजमान नहीं है तो डमरू की छोटा सा डमरू लाकर रखें, वास्तु दोष का नाश करता है, ये सकारात्मक जीवन में यानी भर देता है ऊर्जा से। साथ ही गंगा जल सबसे महत्वपूर्ण तो भस्म है जो मैंने आपको बताई है कि यह कोई भी चीज़ ना हो तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं, परंतु एक चुटकी भस्म आपको समर्पित करनी है। गंगा जल तो अगर होना ही चाहिए, पूजा पाठ से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि गंगा जल आपके घर पर नहीं है तो थोड़ा थोड़ा गंगा जल घर लेकर महादेव के अगर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं सावन के महीने में, सावन के पवित्र महीने में, तो हर मनोकामना पूरी होगी। सावन के महीने में निस्वार्थ भाव से महादेव जी की सेवा में लग जाइए, बिना कोई कामना भक्ति करिए, यानी करिए बिना कोई स्वार्थ, बिना कोई मांग किए, कोई लालच किए आप उनकी भक्ति करिए, महादेव जरूर सुनेंगे, आपकी हर भक्ति सुनेंगे, खुद अपने जीवन में आप चमत्कार खुद देखेंगे। सावन के महीने में अगर आंकड़े का पुष्प अगर आप अपने घर लेकर आते हैं, यानी उससे पहले आंकड़े का पुष्प लेकर आएं और फिर आप इस आंकड़े के पुष्प की माला बना लें और आप सावन के महीने के
किसी एक दिन यानी पहले लेकर आएंगे तो सावन के पहले दिन चढ़ा दें तो हर मनोकामना पूरी होती है। सावन शुरू होने से पहले भगवान की प्रिय वस्तु है त्रिशूल, त्रिशूल भी लेकर जरूर आएँ, इससे भी महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। और चांदी का जो चंद्रमा का सिक्का होता है चांदी के बना, इसे भी जरूर घर लेकर आएँ, इससे भी आपके ऊपर महादेव अति प्रसन्न होंगे, सुख समृद्धि बरसेगी। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। जो लोग महादेव से सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव।